उत्तर प्रदेश में होने वाले विधानसभा चुनाव को लेकर राजनीतिक पार्टी ने तैयारियां शुरू कर दी हैं और इस चुनाव में अपनी पूरी ताकत झोंकते हुए दिखाई दे रहे हैं। भारतीय जनता पार्टी ने विधानसभा चुनाव को लेकर एक बड़े स्तर पर तैयारी शुरू की है। मुरादाबाद के सिविलान स्थित पंचायत भवन में विधानसभा चुनाव प्रबंधन समिति की बैठक आयोजित की गई। बैठक में मुरादाबाद मंडल के सभी जिलों के प्रभारी और पार्टी के वरिष्ठ पदाधिकारी भी मौजूद रहे। इस एक दिवसीय बैठक में मुख्य अतिथि के रूप में भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश के प्रभारी राधा मोहन सिंह व प्रदेश के महामंत्री सुनील बंसल ने पहुंचकर सभी कार्यकर्ता और पदाधिकारियों को दिशा निर्देश भी दिए। बैठक का शुभारंभ माँ सरस्वती के सम्मुख दीप प्रज्वलित करने के साथ वंदे मातरम गाकर बैठक प्रारंभ कराई गई। बैठक में मौजूद सभी जिलों से आए अध्यक्ष और प्रभारियों को यह दिशा निर्देश दिए गए कि ये सभी लोग विधानसभा चुनाव की तैयारियों में लग जाएं और पार्टी के वरिष्ठ पदाधिकारियों द्वारा जो जिम्मेदारी उन्हें दी गई है उन जिम्मेदारियों को बाखूबी तरीके से निभाने के लिए अपना योगदान दें। सुनील बंसल ने अपने संबोधन में कहा कि प्रदेश में चुनाव की तैयारी शुरू हो चुकी है। विधानसभा चुनाव के घोषणा होने के बाद और पार्टी जिसे भी विधानसभा चुनाव का प्रत्याशी घोषित करे उसे तन मन धन से चुनाव लड़ाने का काम करे। बैठक को संबोधित करते हुए सुनील बंसल ने कहा कि जो हमारे प्रबंध समिति बनी है उसके बैठक में मंच पर उपस्थित प्रदेश के प्रभारी माननीय राधा मोहन जी, क्षेत्र के अध्यक्ष माननीय मोहित बेनीवाल जी, प्रदेश के सह संगठन मंत्री करमवीर जी, हमारे सह प्रभारी माननीय संजय भाटिया जी, उत्तर प्रदेश सरकार के कैबिनेट मंत्री माननीय भूपेंद्र जी, यहाँ पर उपस्थित हमारे प्रदेश के उपाध्यक्ष सुरेंद्र नागर जी, सभी पदाधिकारीगण, आए हुए कार्यकर्ता बहनों और भाई, काफी देर से आप सब लोग बैठे हैं, थोड़ा विलम्ब हम सबको आने में, क्योंकि बरेली में भी आज विस्तारकों की बैठक थी और इसी प्रकार से उधर के भी चार जिलों की संचालन समिति की बैठक थी, इसलिए काफी देर से आप इंतजार कर रहे, इसलिए उसको बिना औपचारिकता किए हमने जल्दी इस बैठक को शुरू किया है जिससे आप सब लोग थोड़ा जा सके। तो आज की इस बैठक में प्रमुख रूप से जिले की चुनाव संचालन समिति या विधानसभा की चुनाव की संचालन समिति जो हमारी बनी है उसका चुनाव की दृष्टि से क्या रोल है, क्या भूमिका है, क्या काम उसको करना है, उस बात की स्पष्टता इस बैठक में हो, उस दृष्टि से आज की अपनी बैठक है। मैं थोड़ा संगठन की दृष्टि से क्या क्या काम इन सभी विषयों में रहेंगे उसके बारे में आप सबके सामने विषय रखता हूँ। बाद में माननीय राधा मोहन जी भी इन सभी विषयों में हम सबके लिए और राजनीतिक दृष्टि से, पॉलिटिकल दृष्टि से किन बातों का विशेष आग्रह करके हमको नीचे तक प्रयास करना है, ऐसा विषय हम सबके सामने रखेंगे। पहला मुद्दा है आप सबकी स्पष्टता के लिए कि विधानसभा की चुनाव प्रबंध समिति है जिसमें 18 प्रकार के अलग अलग कार्यकर्ताओं को दायित्व है। ऐसे 18 कार्यकर्ताओं को जो दायित्व है ये चुनाव संचालन समिति का पार्ट वन है, इसका पार्ट टू अभी और होना बाकी है। तो 18 कार्यकर्ता जो चुनाव से पहले प्री इलेक्शन कैंपेन को लेकर, चुनाव की तैयारियों को लेकर जो जो काम हम सबको करने हैं, यह है चुनाव प्रबंध समिति पार्ट वन जिसकी आज ये हम बैठक कर रहे हैं। पार्ट टू जो हमारा चुनाव संचालन समिति का बाद में बनेगा वो हमारा पार्ट टू रहेगा, उसमें सामान्यतः व्यवस्थाओं को लेकर के जितने भी विषय हैं, ऐसी दूसरी संचालन समिति भी हमारा जब प्रत्याशी घोषित होता है उस समय एक संचालन समिति, चुनाव प्रबंध समिति हम और बनाते हैं। सामान्यतः उसमें जितने भी प्रकार के व्यवस्थाओं के काम हैं